उत्तराखंड में देर रात आई आंधी लोगों की मुसीबत बनकर सामने आई। जहां आंधी से कई घरों की झोपड़ियां उड़ गई तो कई झोपड़ी टूट के बिखर गई। उधम सिंह नगर जिले के शक्ति फार्म वार्ड नंबर 1 शक्तिगढ़ में आंधी आने से कई घर टूट के गिर गए या तो कई घर बिखर गए। पीड़िता का कहना है कि 6 महीने पहले 38,000 इंदिरा आवास के लिए जमा किए थे, अभी तक ना इंदिरा आवास आया है और ना ही कोई मदद मिली है, जिसके चलते आज हमें यह मुसीबत का सामना करना पड़ा। वहीं समाज सेवी का कहना है कि अगर इनको इंदिरा आवास मिल जाता तो आज इनको यहाँ दिन देखना नहीं पड़ता, एक बड़ा हादसा होने से बच गया। इसका जिम्मेदार कौन है अब देखना है, प्रशासन से इनकी कितनी मदद मिलती है। कि कल जो तबाही हुई है, मैं दूर दराज की तो नहीं, अपने शक्ति फार्म क्षेत्र की बात करूंगा, भारी तबाही हुई है। प्राइवेट संपत्ति से लेकर सरकारी संपत्ति को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बड़ा दुख का विषय है कि ऐसे परिवारों के लोग जिनको आवास मिलने थे, उनके पैसे भी जमा हैं, अंशदान जो जमा करना होता है वो भी जमा है, लेकिन उनको आवास नहीं मिला है। कल ये लोग बाल बाल बचे हैं, इस घर से बाहर निकले हैं तब इनकी जान बची है। ये घर है इनका, एक ये घर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सामान इनका नष्ट हो गया है, दब गया है, भीग गया है। और ऐसा ही खाली यहाँ नहीं, शक्ति फार्म के लगभग मैं भी 50 से 60 घरों में गया हूँ, समस्त वार्डों में, आसपास के गुरुग्राम में, इधर हमारे वार्ड नंबर 2 में 4 में 7 में, तमाम वार्डों में जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ मुझे सूचना मिली कि यहाँ नुकसान हुआ है वहाँ गया हूँ। मैंने तहसील के पटवारी जी को भी सूचना दी है, उन्होंने कहा मैं आ गया हूँ क्षेत्र में, आप भी नाम नोट करके बताएं। तो अपने तरफ से जो भी प्रयास बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी तबाही से देशवासियों को बचाएं, ये मैं निवेदन भी करता हूँ, ऐसा प्रार्थना करता हूँ। और जो कल रात में ऐसा मंजर था यहाँ देखने लायक, मतलब लोग अपनी जान बचाना ऐसा लग रहा था मुश्किल हो गया है। तो अब दैवीय आपदा है, इसको तो एक भोलेनाथ ही मदद कर सकते हैं, भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। बाकी जो घटनाएं यहाँ नीचे स्तर पे जिनको नुकसान हुआ है, उसकी मदद के लिए हम जैसे सभी लोगों को आगे आना चाहिए, और जो गरीब परिवार के लोग हैं उनकी मदद करनी चाहिए। अभी तहसील स्तर से हमने अभी सर्वे भी करा रहे हैं, और इनको जो भी 3,800 रुपये की सहायता राशि तत्काल मिलती है वो उनको अभी दिलवाएंगे, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि देखिए, वास्तव में इस शक्ति फार्म में की बात करूंगा, नगर पंचायत की, जो यहाँ पर धरातल में जो वास्तव में पात्र लोग थे, आवास जिनको मिलने थे उनको अभी नहीं मिल पाए हैं। कुछ लोगों को मिले हैं, कुछ लोगों को जो वास्तव में बहुत ज़रूरतमंद हैं उनको नहीं मिल पाए हैं। उनको मिलना चाहिए था, अब नहीं, इससे पहले ही मिल जाना चाहिए था। अब हम इस वक्त हमारे यहाँ नगर पंचायत शक्तिगढ़ में चुनाव भी चल रहा है, और 19 तारीख को मतदान होना है। तो यदि ईश्वर की कृपा और यहाँ शक्तिगढ़ की जो हमारे जनता है, देवतुल्य जनता है, इन्होंने अगर आशीर्वाद दिया तो मेरा सबसे पहला काम यही होगा कि मैं धरातल पे जो जिनको ज़रूरत है वास्तव में उनको आवास मुहैया कराएंगे, और उस आवास का निर्माण लाभार्थी स्वयं करेगा, ये बार बार मैं कहना चाहता हूँ। उसमें किसी प्रकार की कोई ठेकेदारी नहीं होने देंगे, हम पूरे शक्तिगढ़ के एक एक परिवार का सर्वे कराएंगे, जो वास्तव में ज़रूरतमंद है उसको तुरंत आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मैं नुकसान का मुआवजा ना कर रहा हूँ, मैं सरकार की तरफ से या पटवारी को बुला के इनका जो है नुकसान हुआ है इनका जल्दी से जल्दी मुआवजा दिलाने की कोशिश करूँ। 7 घरों का जायजा ले चुके हैं, अभी पूरे वार्ड में हमारा सर्वे चल रहा है, और हम पटवारी को फ़ोन कर दिए हैं, पटवारी आ रहा है, वह हम नाम नोट कर ले रहे हैं, सर्वे करने के तुरंत बाद पटवारी को इस क्षेत्र में लाएंगे और इनका घर घर में मुआयना, घर घर में मुआयना कराएंगे, और जो भी सहायता पटवारी
या तहसील द्वारा मुहैया होगी वो पूरा प्रयास चेयरमैन साहब की तरफ से किया जाएगा कि इनको मिले इसका लाभ। आपके टीवी चैनल का आप इस गंभीर विषय में आप आए हो। कल रात को जो तूफान आया वास्तव में बहुत भयंकर तूफान था, मैंने अपने लाइफ में पहली बार उस तरीके का तांडव देखा है। अब देखिए आप परिस्थिति देखिए, राजनीति करने का समय नहीं है। काफ़ी लोग मेरे सामने अभी आए हैं, हमारे घर का ही मैटर है, मेरे चाचा और चाची है ये। देखिए परिस्थिति आज इसका जिम्मेदार कौन होगा आप ही बताइए। रात को ये लोग इसमें सो रहे थे, अगर खुदा ना खास्ता इनके ऊपर ये घर गिरता तो आज परिस्थिति क्या होती। मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ कोई राजनीति अपनी स्तर में है, देखिए सब राजनीति करने यहाँ आ रहे हैं। विशेष निवेदन है आला अधिकारी को, सबको मैंने अवगत करा दिया है इस विषय में। काफ़ी नुकसान शक्ति फार्म में कल हुआ है, इस विषय में गंभीरता से लीजिए। मैंने पटवारी साहब को भी इस बारे में गंभीरता से बताया कि इस विषय में आप देखिए, देखिए आप हालत तो देखिए, दो घर में रहने के लिए दोनों घर टूट चुके हैं। और इनकी परिस्थिति देखिए, ये मेरे चाचा चाची हैं, इनकी स्थिति देखिए। आज नहीं मानोगे जो राजीव आवास की बात ये कर रहे हैं, इनने ब्याज में पैसा उठा के, मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, इनसे मेरी कंटिन्यू बात होती रहती है, ब्याज में पैसा उठा के इनने 40,000 रुपये जमा किया है। लेकिन आज मैं किसको दोषी मानूँ मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। आँखों में मेरे आंसू आ रहे हैं कि ये 40,000 जमा करने के बावजूद भी अगर ये काम स्टार्ट नहीं हो रही है। ठेकेदार का कहना ये है कि आज सरिया और रेते बजड़ी का रेट बढ़ा है, इसलिए हम काम आरम्भ नहीं कर सकते। तो यह एक बात बताइए, इसका जिम्मेदार आज कौन, मैं ठेकेदार को कहूँ या जो जनप्रतिनिधि है उसको कहूँ या अपने आप स्वयं अपने इस समाज को कहूँ। देखिए हम किस परिस्थिति में जी रहे हैं, नेतागिरी अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन इस विषय में सारे लोगों को सोचना चाहिए। देखिए कल एक बड़ा बहुत बड़ा हादसा होने को टला है, छोटे छोटे बच्चे घर के अंदर सोते थे, अगर उनके ऊपर खुदा ना खास्ता ये मकान, ये घर, झोपड़ी अगर गिरता क्या होता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ नगर पंचायत में रहने का क्या मतलब है हमारा, इससे तो बढ़िया हम मतलब जैसे थे हमें वैसे ही छोड़ दो। नगर पंचायत अपनी जगह है, मैं राजनीति अपनी जगह है, इस विषय में गंभीरता से ले। मैं शासन व प्रशासन से निवेदन करूँगा कि एक बार आके इस मुआवना को करिए और देखिए आज रात को ये लोग कहाँ रहेंगे। मैं ये सोच के गंभीरता, एक रसोई का घर आप देख सकते हैं, वीडियो भैया एक बार दिखा दीजिए, रसोई का घर की हालत देखिए, पीछे से पूरा एकदम ख़त्म हो गया है। तो ये राजनीति करने का समय नहीं है। मैं मानता हूँ कल चुनाव है, लेकिन चुनाव अपनी जगह है, इस विषय में हाथ जोड़ के निवेदन है कि गंभीरता से ले। बहुत बहुत धन्यवाद।